Let's do question number 21 of exercise 10B, that is quadrilateral. Question number 21 is ABCD is a rectangle. ABCD एक rectangle है. Question में कह रहा है, मान लीजिए ये A, B, C and D, right? अब वो कह रहा है, in which diagonal AC bisect angle A and angle C. AC जो diagonal है, वो angle A को bisect करती है और एंगल सी को बाइसेक्ट करती है. बाइसेक्ट का मतलब है ये दोनों इक्वल हैं, राइट फ्रेंड्स. आगे क्या कह रहे हैं, शो दैट एबीसीडी इज स्क्वायर. ये शो करना है एबीसीडी स्क्वायर है और डायगनल बीडी बाइसेक्ट एंगल बी एंड एंगल डी. डायगनल जो बीडी है वो बाइसेक्ट कर बी वो भी बाइसेक्ट करेगी एंगल बी और एंगल डी को. कैसे करेंगे देखिए, अब हमें क्या गिवन है, गिवन है हमें दैट A, B, C, D is a rectangle. Right friends, is a rectangle. मैंने अपनी इंट्रोडक्टरी वीडियो में आपको बताया था रेक्टेंगल को स्क्वायर प्रूफ करने के लिए सिर्फ एक ही डिफरेंस है, क्योंकि रेक्टेंगल में भी 90 डिग्री का एंगल होता है और स्क्वायर में भी. सिर्फ एक डिफरेंस है कि साइड्स इक्वल होनी चाहिए स्क्वायर की, क्योंकि रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं लेकिन स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होती हैं, राइट फ्रेंड्स. तो हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ इन फर्स्ट पार्ट हमें प्रूफ करना है दैट ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, इज अ स्क्वायर. और हमें सेकंड पार्ट में प्रूफ करना है दैट बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एंड एंगल डी, राइट फ्रेंड्स. तो हम देखिए इस ये एसी ऑलरेडी हमें दी हुई थी, तो हम इसे एंगल्स मान लेते थ्री एंड फोर, राइट. अब हम कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए प्रूफ. अब हमें पता है ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल है सी डी के, राइट फ्रेंड्स, बिकॉज इट्स अ रेक्टेंगल. ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर पैरेलल एंड इक्वल, पैरेलल, राइट फ्रेंड्स. तो जब ये दोनों अपोजिट हैं और एसी क्या है उसकी, ट्रांसवर्सल. एसी इज अ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल. जब एसी उसकी ट्रांसवर्सल है तो एंगल वन किसके इक्वल हो गया, एंगल फोर के. एंगल वन इक्वल्स टू एंगल फोर, व्हाई, बिकॉज दीज आर द ऑल्टरनेट एंगल्स, राइट फ्रेंड्स. ये क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स है. लेकिन ए सी बाइसेक्ट कर रहा था एंगल ए और एंगल सी को, तो एंगल वन एंगल टू के इक्वल दे रखा है, बट एंगल वन इज इक्वल्स टू एंगल टू. व्हाई, बिकॉज ए सी बाइसेक्ट एंगल ए, राइट फ्रेंड्स. अब जब इसके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे, तो हेंस फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एंगल टू इक्वल्स टू एंगल फोर हो गया. जब एंगल वन फोर के भी इक्वल है, एंगल वन टू के भी इक्वल है, तो ये भी दोनों आपस में इक्वल हो गए. अब जब एंगल टू और एंगल फोर इक्वल हो गए, तो एंगल टू के ऑपोजिट कौन सी साइड दे रखी है, सी डी, और एंगल फोर के ऑपोजिट कौन सी साइड दे रखी है, डी ए. वाई, बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स, हमने पढ़ा था जब एंगल्स इक्वल होते हैं तो उनकी ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं. ऑपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल, आर इक्वल, राइट फ्रेंड्स. अब जब सी डी इक्वल हो गया डी ए के, अब रेक्टेंगल के अकॉर्डिंग सी डी तो इक्वल था ए बी के, बट सी डी इक्वल्स टू ए बी, बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल. साइड्स ऑपोजिट जो होती है रेक्टेंगल की वो इक्वल होती है. ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, हमें पता है रेक्टेंगल में ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, राइट फ्रेंड्स. ये तो इसके इक्वल था, तो दैट मीन्स ये भी इसके इक्वल हो गया. जब ये दोनों
ये दोनों, ये इसकी इक्वल था और यही इसके इक्वल था, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो गए. देन ए बी इज इक्वल टू डी ए, राइट फ्रेंड्स, ए बी डी ए के इक्वल हो गया, और ए बी ही बी सी के इक्वल हो गया. देखिए डी ए तो बी सी के इक्वल था, राइट फ्रेंड्स, बिकॉज डी ए इज इक्वल टू बी सी. तो हम क्या कह सकते हैं, ए बी इक्वल हो गया बी सी के. ये देखिए बी सी इक्वल हो गई ये भी सी डी के और डी ए के, राइट फ्रेंड्स. ए बी की जगह सी डी लिख दिया और बी सी की जगह डी ए लिख दिया, राइट फ्रेंड्स. ये सब इक्वल हो गए, हेंस ए बी सी डी इज अ स्क्वायर. ये प्रूव्ड हो गया, सारी साइड्स इक्वल होती. अब ए बी सी डी इक्वल स्क्वायर हो गया, तो हमें पता है स्क्वायर की डायगनल्स ऑपोजिट एंगल्स बाइसेक्ट करती है, तो वी कैन से दैट डायगनल बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एंड एंगल डी. प्रूव. Thank you. If you understand the step-by-step solution of this video, please subscribe my channel on maths and share it with your friends. Thank you.